सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइस कंटिन्यू 13 बार विन करेंगे हम लोग, 13 बार कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों मेडल्स को एक ही बार में हम लोग परफेक्ट, मतलब कंटिन्यू तीनों के तीनों मेडल्स को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो किस तरीके से, आज की इस वीडियो को एंड तक देखो, आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि सारे मेडल्स मैंने कंटिन्यू लिए हैं भाई, थोड़ा सा भी स्किप नहीं, ठीक है, कहीं पे भी। एंड मैंने कंटिन्यू सारे मेडल्स को लिए हैं, जो कि अभी ये चैंपियन पाथ वाला ऑफर जो है वो दोबारा से आ चुका है, ठीक है, गेम पे। और क्या ही बोलूँ यार, इस बार का थोड़ा टेबल का चेंजिंग है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है खेलने में। इसमें ज़्यादा हैकर्स मिल भी नहीं रहे तो अच्छा है भाई, फेयर प्लेयर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है, क्योंकि हैकर्स नहीं मिल रहे भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, ठीक है। सबसे पहला गेम जो था अपने पास वो हम लोग ब्रैक टू फिनिश करते हैं और अभी नेक्स्ट गेम पे चलेंगे। सो आई होप यार आज का गेम प्ले एंड तक देखना, आप लोगों को मज़ा नहीं आया ना तो कहना यार, ठीक है, कंटिन्यू यार, आप लोग समझ सकते हो। इसको क्रॉस खेलेंगे थोड़ा सा फास्ट, और क्वीन को भी हम लोगों ने यहाँ से रिलीज कर लिया है, और बाकी दो पक्ष बची है उसको इजीली हम लोग खेल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था मुझे, इससे अच्छा मैं कनेक्शन खेल लेता हूँ ओपोनेंट की पक्ष से, ठीक है, इसको खेल लेते हैं। गाइस आप लोग समझ सकते हो, कंटिन्यू तीनों रिवॉर्ड्स, सॉरी तीनों मेडल्स को लेना कितना हार्ड बात हो सकता है। तीनों मेडल्स को कंटिन्यू भी कहीं भी किसी भी मैच को नहीं हारना है, ठीक है, सभी मैच को जीतते जाना है, तभी हम लोग को वो मेडल्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला मैच हम लोगों ने जीत लिया है, उसके बाद हम लोग कम से कम 12 से 13 गेम प्ले कंटिन्यू जीतना होगा। फिर से उसी भाई के साथ गेम प्ले कनेक्ट हो चुका है, बराड़ा भाई के साथ 125 लेवल ब्रेक उनके पास चली गई है, और भाई यहाँ पे क्या ही तरीके से मिस करते हैं और ब्रेक अपने पास आ जाती है। चलो सेकंड गेम प्ले भी अपने पास आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड गेम प्ले लगाते हैं। थर्ड गेम प्ले में देखते हैं किसके साथ लगता है, ब्रेक आ गई अपने पास तो ब्रेक टू फिनिश, नहीं आई तो कोई बात नहीं भाई। एंड गेम कनेक्ट हो चुका है कमल भाई के साथ 99 लेवल, एंड जो गेम फालतू की है उससे थोड़ा सा मैंने कट कर दिया, एंड समय समय के साथ मैं आप लोगों को अपना समय भी दिखाऊंगा कि किस टाइम पे कितना हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू नहीं दिखा रहा आप लोगों को, सब कुछ कंटिन्यू दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। बस देखो यहाँ से मैंने दो पक्स को पॉकेट लिया, उसके बाद इसको सिंपल खेलेंगे, यहाँ से तब बीच वाली पक्स जो है उसको थोड़ा सा क्रॉस खेलेंगे फास्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको खेल लिया हम लोगों ने। उसके बाद बहुत सारी पक्स रिलीज हो चुकी है पक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा इसको खेलूँ क्या, फिर मैंने खेल लिया इसको फास्ट थोड़ा सा खेल लिया, उसके पक्ष ज़्यादातर फंस गई यार जाके, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना होगा, क्वीन को खेल लेते हैं पहले, क्वीन को फास्ट खेलते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो चुका है पक्स अभी, क्यों जाए गाइस जो राइट साइड वाली पक्स है इसको फास्ट खेलेंगे थोड़ा सा, और लेफ्ट साइड में दो पक्स थोड़ी बहुत फंसी हुई है तो वो रिलीज हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे पक्स रिलीज हो चुके हैं, और ये गेम भी ब्रेक टू फिनिश, ठीक है, इसको सिंपल खेल लेते हैं टॉप लेफ्ट साइड में। एंड उसके बाद ये जो दो पक्स है ये ऊपर वाली थोड़ी सी हार्ड है, बट इसको खेलेंगे हम लोग टॉप लेफ्ट साइड में, नीचे की ओर थोड़ा, ठीक है, संभाल के खेलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये इजीली पॉकेट हो चुकी है, और उसके साथ साथ ओपनिंग की पक्स भी पॉकेट हो गई, इसको सिंपल खेल लेते हैं और ये हो जाएगी भाई ब्रेक टू फिनिश। आई होप आप लोग को ये ब्रेक टू फिनिश भी पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो भाई, कंटिन्यू यार गेम प्ले देखने को मिलेगा आप लोग को कंटिन्यू, ठीक है। तो गाइस यार पहला जो चैंपियन पाथ का जो टेबल है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने तीन गेम प्ले जीत लिया है, कंटिन्यू तीन गेम प्ले, ठीक है, और एक गेम प्ले जीतना है इसमें, उसके बाद हम लोग का जो एक मेडल्स है वो हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसको ब्रॉन्ज मेडल्स ना क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमको मिलने वाले हैं, एंड इसे जल्दी से कम्प्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड गेम कनेक्ट हो चुका है दानिश भाई के साथ, लेकिन पिक्स है सलमान भाई का, सल्लू भाई का, ठीक है। एंड ब्रेक आ गई है ओपोनेंट के पास, एंड ब्रेक इजी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हिट कर लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे क्या ही गंदी तरीके से फंसते हैं लास्ट बक्स में, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मिस हो जाती है, और बोर्ड पूरा क्लियर है, सभी को सिंपल सिंपल खेलेंगे, और इजीली जो है ब्रेक टू फिनिश ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिनिश हो जाएगा, ब्रेक टू फिनिश तो नहीं, लेकिन देखो आप लोगों को मज़ा आएगा, और भी ब्रेक टू फिनिश देखने को मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो आप लोग याद रखना बस कितने गेम प्ले फिनिश हुए और कितने गेम प्ले हम लोगों ने कंटिन्यू जीता, ठीक है। यहाँ पे दोनों पक्ष इजी है, सारे के सारे पक्ष रिलीज थे, सारे को खेल लेते हैं पहले, इसको सिंपल खेलेंगे, और जो ऊपर वाले पक्ष है इसको भी हम लोग सिंपल खेल लेते हैं, और ये इजीली वाइज ब्रेक टू फिनिश, सॉरी फिनिश हो गया, और उसके बाद ये वाला जो इवेंट है वो अपने नाम हो गया, सॉरी अपने नाम तो नहीं, पूरा इवेंट तो नहीं हो सकता भाई, तो ये सॉरी ये गिफ्ट बोलते हैं क्या बोलते, अरे मेडल्स यार, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, ओके जो भी हो यार, ये मेडल मिल गया हम लोगों को। एंड चलते हैं अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोग को दो मेडल्स मिल गया है, उसके बाद नेक्स्ट मेडल जो है उसको लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है, नहीं इससे छोटा वाला देखेंगे 15,000 वाली, ठीक है, तो इसको हम लोग को हासिल करना है, तो उसके लिए हम लोग को कंटिन्यू खेलना होगा, ठीक है। एंड फिर देखते हैं इसको खेलते हैं अब इसको खेलते हैं, इस पर गेम कनेक्ट हो चुका है रसीदा,
पता नहीं भाई है कि बहन है, 133 लेवल, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है अपने पास, और यहाँ पे देखो किस तरीके से तुम्हारा भाई ब्रेक हिट करता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट, और ये पॉकेट हो चुकी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी कुछ इस तरीके से खेलेंगे, एक पक पॉकेट हो चुकी है टॉप लेफ्ट साइड में, दो पक्स पॉकेट हो चुकी है भाई टॉप लेफ्ट साइड में, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। और यहाँ पे ये क्या शॉट थी भाई, ये मिस होने की चांस थी क्या बताओ जाए, इतनी ईजी शॉट उसके बावजूद भी मिस हो गई भाई, यार मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे ओपोनेंट को भी देखो यार, बेचारा यहाँ पे फंस चुका था बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि पक्स थे नहीं यार कहीं पे, ठीक है, तो इनकी भी पक्स फंस गई थी। एंड ब्रेक आ चुकी है अपने पास, तो यहाँ पे फिनिश करना होगा जैसे तैसे, वरना यार कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले फिनिश करना होगा तभी कंटिन्यू चलेगा। एंड हम लोग को जो राइट साइड वाली पक्स थी वो थोड़ी बहुत फंसी हुई थी यार, मुझे लग रही थी कि थोड़ी बहुत वो फंसी हुई है, ठीक है। उसको रिलीज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा भाई कौन से पक्स से रिलीज करें, ठीक है। सबसे पहले तो इस वाली पक्स को फास्ट मारेंगे कुछ इस तरीके से, इससे कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद एक ही पक्स बची है जिससे हम लोग उस पक को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, और वो है लेफ्ट साइड वाली पक्स। अगर इससे नहीं हो पाई तो भाई ये पक्स रिलीज नहीं हो पाएगी और, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग, अभी मैं बहुत सोच रहा था, सोचने का टाइम ले रहा था थोड़ा कि भाई किस पक्ष से कैसे खेलूं, ठीक है। तो सोचने में थोड़ा टाइम लो, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टाइम लेना चाहिए, ठीक है। सोच समझ के खेलना चाहिए भाई, कौन से पक्ष को किस तरीके से खेले जो पक्ष रिलीज हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुआ भाई, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओपोनेंट की जो पक है पीछे में उसको लेके खेलेंगे, पहले उसको लेके खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओपोनेंट की पक एक पक फंसी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर उसको पहले खेल लेते तो फिर यार बहुत मुश्किल हो जाता, अगर नहीं पॉकेट होती तो। इसको फास्ट खेलेंगे कुछ इस तरीके से, वो ये भाई फिनिश, और पांच गेम प्ले कंटिन्यू, यानी कि दूसरा जो टेबल है उसमें भी हम लोगों ने, सॉरी दूसरा जो मेडल है उसके हम लोगों ने एक कदम बढ़ा दिया है, हम लोग को चार कदम लेना है इससे, और इजीली ये मेडल्स भी अपने हाथ में। एंड दूसरा गेम प्ले कनेक्ट हो चुका है, क्या नाम है, सीजू नंबर वन, ओके। यहाँ पे ब्रेक इजी आई है कुछ इस तरीके से, दो पक्स पॉकेट हो चुकी है, और ब्रेक टू फिनिश खेलना है यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है, सिंपल है, इसको सिंपल खेल लेते हैं। उसके बाद इस वाली पक्स को थोड़ा सा क्रॉस खेलते हैं फास्ट कुछ इस तरीके से, और पक्स देखो रिलीज हो चुकी है, बहुत अच्छी खासी पक्स रिलीज हुई है। और यहाँ पे देखो कौन से पक्स को रिलीज करेंगे, इसको फास्ट खेलेंगे पहले ऊपर वाली, और थोड़ा सा बीच वाली कोइंस को रिलीज नहीं है, पहले इसको खेल लेते हैं, पहले ये सिंपल है, वरना बाद में जाके फंस सकती है, ब्लॉक हो सकती है पक्स वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद इसको खेलेंगे, थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे नीचे की ओर, खींचेंगे स्ट्राइकर को कुछ इस तरीके से। अब गाइस दो पक्स बन चुकी है, दो पक्स से हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। एक तो राइट साइड में पक्स है, और उसके बाद एक लेफ्ट साइड में नीचे की ओर, ठीक है। दो पक्स से पक्स को हम लोग रिलीज कर सकते हैं, बट हो चुकी है भाई ये गेम अपने नाम हो चुकी है। क्वीन को खेलेंगे कनेक्शन कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल है, खेल लिया इसको भी, और सारे के सारे पक्स फ्री है, ठीक है। इसको भी सिंपल खेल लेते हैं, और नीचे वाली जो पक है वो भी सिंपल खेल लेंगे, और ये ब्रेक टू फिनिश, आई होप आप लोगों को ये ब्रेक टू फिनिश भी पसंद आया होगा। तो देखो यार कंटिन्यू मैं जीतते आ रहा हूँ, ठीक है, ये लगा करके मैंने 6 गेम प्ले कंटिन्यू जीता, ठीक है। अगर इस भी हम लोग को मेडल, ये भी मेडल्स को हम लोग को लेना है, सिल्वर मेडल्स को। तो देखो मैं समय समय से आप लोग टाइम भी दिखा रहा हूँ कि भाई टाइम भी देख लो आप लोग कितने टाइम हुए नहीं हुए, और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा स्टाइल को, कौन सा स्टैगर, इसका नाम क्या है यार, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एंड इस स्टैगर का नाम आप लोग जो भी बता देना कमेंट में मुझे। एंड ये तीसरा कदम रखने वाले हैं हम लोग, सोलेमान भाई के साथ गेम कनेक्ट हो चुका है 75 लेवल, ओके। एंड ब्रेक उनके पास गई है, और क्या ही फंसते हैं यार भाई, यहाँ पे देखो क्या ही फंसते हैं यार बेचारे, बहुत यहाँ पे कहीं पे भी पक्स नहीं जा रही थी, लेकिन ब्रेक आ जाती है अपने पास। अब तो अपनों को फिनिश करना है, और ब्रेक ओपोनेंट को चांस ही नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और दो कदम है, अगर दो कदम ले लेते हैं तो ये भी मेडल्स अपने हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ऊपर वाली पक्स है इसको खेलेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से बीच वाली पक्स को रिलीज करने का ट्राई करेंगे, और बहुत सारे पक्स जो है वो छिड़ चुके हैं, ठीक है, चारों तरफ से अलग अलग हो चुका है। अभी हम लोग को एक पक को रिलीज करना था अभी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको खेलेंगे, सटी हुई पक्स को पॉकेट कर लेंगे, फिर भी एक पक फंसी हुई रह गई, ठीक है। अभी फिर से इसको खेलेंगे इस पक से, ठीक है, अभी थोड़ा सा रिलीज होने के जैसा दिख जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलीज हो गई है, अब इसको सिंपल पॉकेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो थोड़ा सा इस पक्स को खेल लेते हैं लेफ्ट साइड में, एंड सारे पक्स इजी है गाइस। अभी क्या करेंगे, क्वीन को खेलेंगे, और क्वीन को इस तरीके से खेलना है जो ऊपर की पक्स थी वो भी रिलीज हो जाए अच्छे तरीके से, और रिलीज हो चुकी है तीनों के तीनों पक्स, सिंपल है, इसको हम लोग इजीली फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ओपोनेंट का नेटवर्क स्लो, ओके इसको सिंपल खेल लेते हैं, एंड ये वाली भी सिंपल है, इसको कोई भी मार सकता है। और ये वाला इमोजी भाई, ये वाला इमोजी देखो मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी हद तक पसंद आ रहा है इमोजी, ये मुझे मज़ा आता है यार इस इमोजी को यूज करने में,
सो ये भी हो गया यार। यहाँ पे यार एक ही बात मुझे कहनी थी मिनी क्लिप से, अगर इस टेबल में हम लोग को कॉइन्स वगैरह मिलते कंप्लीट करने के तो फिर बहुत मजा आता भाई। कुछ प्राइज वगैरह रखते जैसे कि 5 लेवल कंप्लीट कर लेते तो हम लोग कॉइन्स वगैरह कुछ मिलता, कुछ अजीब मतलब कुछ अच्छा चीज़ मिलता। मेडल्स यार मेडल्स का कोई काम ही नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेडल्स का क्या काम करे भाई, प्रोफाइल में सिर्फ लगे हुए रहते हैं, क्या करूँ भाई। हम लोग से जो हैकर लोग हैं उसके पास तो और भी ज़्यादा मेडल्स है भाई, हैकर्स को भी मेडल्स मिल जाते हैं। एंड इसके बाद इसको खेल लेते हैं। यहाँ पे ओपोनेंट जो है वो अपना सब्सक्राइबर ही था एंड उसने मुझे अपलोड करने के लिए कहा, चलो भाई अपलोड कर ही देंगे क्योंकि कंटिन्यू खेल ही रहे हैं। एंड पता नहीं ये गेम लगा कि कितने हो चुके हैं, जब तक मेडल्स आ जाएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि भाई गेम कितने हो चुके हैं, ठीक है। एंड ओके ओके थैंक यू सो मच। एंड इसको मैं बोल देता हूँ, एंड यार अगर आप लोग गेम लेने के लिए मुझे बोल रहे हो कि बिग फैन भाई आया मेरे सब्सक्राइबर, तो भाई बहुत गलत थी वो यार, ये बहुत गलत बात होती है, ठीक है ठीक है। गेम लेने के लिए कभी भी ऐसा मत करो यार, क्योंकि मैं भी एक फेयर प्लेयर हूँ यार, मुझे भी कॉइन्स बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है एंड खेलने के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पक्ष से हम लोगों ने रिलीज करने का ट्राई किया था, जो लेफ्ट साइड वाली पक्ष थोड़ी बहुत फंसी हुई थी, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बट हो चुकी है यार, देखो कुछ इस तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना पड़ेगा भाई गेम में, ऐसे आप लोग अगर खेले तो फास्ट तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है एंड टाइम लेना है, उसके बाद गेम प्ले करना है, ठीक है। किस पक्ष को कौन से पक्ष को किस तरीके से खेले, जो पक्ष जो है वो रिलीज हो, ठीक है। एंड उसके बाद इसको भी खेल लेंगे ईजी है, एंड जो लेफ्ट वाली तो और भी ईजी है, इसको भी हम लोग सिंपल खेल लेंगे। सर प्लीज़ सॉरी भाई, सॉरी यार, इस तरीके से मैं गेम नहीं दे सकता। ये हमारा चौथा कदम था कि पता नहीं यार, चौथा कदम था सदा, आई थिंक। ओके यहाँ पे मिल चुका है सिल्वर मेडल भी यार, कंटिन्यू हम लोगों ने 2 मेडल्स ले लिए। अब आती है तीसरी मेडल्स की भाई, वो भी हम लोग को लेना है कंटिन्यू। उसमें हम लोग को कितना बार जीतना पड़ेगा, 5 बार, यहाँ पे देख सकते हो 8 बार मैंने जीता है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद इस मेडल्स को लेने के लिए हम लोग को 5 बार जीतना पड़ेगा भाई। एंड गेम कनेक्ट हो चुका है बॉस, 104 लेवल, ठीक है। ब्रेक तो आ चुकी है मेरे पास, लेकिन ब्रेक डिफिकल्ट है बहुत। और यहाँ पे देखो भाई क्या ही शॉट हिट हुआ। एंड यहाँ पे देखो यार ओपोनेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंस सकते हैं, जो कि बहुत गलत शॉट ट्राई किया भाई, ये इजीली रिलीज कर सकती थी, मतलब कर सकते थे, बट इन्होंने गलत शॉट ट्राई किया। चलो कोई नहीं, ब्रेक आ चुकी है अपने पास, हम सभी पक्ष को सिंपल खेलेंगे क्योंकि ईजी है भाई। एंड इसके बाद इसको खेल लेते हैं पहला मैच, ठीक है गाइस। इस मेडल्स का हम लोगों ने पहला मैच जो है ले लिया है, एंड हम लोग को और भी 4 कदम से रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे डेली रश वाला जो इवेंट है गाइस, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू मतलब कहीं पे भी बीच में कोई दरारें नहीं आएगी, यानी कि कंटिन्यू। अभी तक मैंने 9 गेम प्ले कंटिन्यू जीता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जीतना है कितना, 13 गेम प्ले कंटिन्यू जीतना है, तभी जाके मेडल्स अपने पास अपने हाथ में आएगी। और यहाँ पे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भाई ये, और ये एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं यार, ये इंडक्शन में हिट कर भी लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस चल रहा है थोड़ी बहुत, कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन 90% जो है चांसेस रहती है कि मैं हिट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। चलो यार यहाँ पे फेयर प्लेयर मिल रहा है तभी जाके मैंने ये हिट किया, ठीक है, वरना इसको सिंपल में ब्रेक टू फिनिश कर सकता था, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा अभी, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिटर्न लेते हैं। यार ये कैसे पॉकेट टीम भाई, इसका तो कनेक्शन बन रहा था कुछ इस तरीके से टॉप राइट साइड में, बट यहाँ पे देखो यार ओपोनेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं, कहीं पे भी उसका चांस नहीं बनता कि भाई कहीं से कुछ खेले, बट मिस हो जाती है भाई से। और इसी का पूरा फायदा जो है वो हम ले लेते हैं। पक्स अभी थोड़ी बहुत फंसी हुई है, लेकिन पक्स रिलीज करने का भी पक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से रिलीज करेंगे, सबसे पहले तो क्वीन को खेलेंगे हम लोग थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से फास्ट के लिए 2 पक्स पॉकेट हो चुकी है, क्वीन हम लोग का कवर हो चुका है। एंड उसके बाद कौन से पक्ष को खेले जिससे पक्ष रिलीज हो, इस पक्ष को थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, 0% का भी फायदा नहीं हुआ इससे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको कनेक्शन खेलेंगे जो कि थोड़ा सा हार्ड है, बट खेल लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे 2 पक्ष पॉकेट होने जरूरी थी यार, बताओ यार। एंड उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है एक मुझे टॉप लेफ्ट साइड में, इसको खेल लिया 2 पक्ष, यहाँ पे भी पॉकेट, चलो यार अच्छा है, फिनिश हो गया इजीली, इसको सिंपल खेल लेते हैं। और 2 गेम प्ले कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू यहाँ पे भी विन किया 2 ने यार, पूरे के पूरे 10 हो चुके हैं गेम प्ले कंटिन्यू विन किए, ठीक है। इस मेडल को भी लेना है हम लोग को कंटिन्यू, ठीक है, लेना है भाई कुछ भी हो जाए। एंड उसके बाद गेम प्ले अगर ऐसे ही फेयर प्ले मिल तो भाई ये वाला जो मेडल से ये भी कंटिन्यू हम लोग ले लेंगे, तो भाई ये रिकॉर्ड रहेगा भाई कि तीनों के तीनों मेडल्स कंटिन्यू लिए हमने, एक गेम भी नहीं हारा है, तो ये रिकॉर्ड बन जाएगी भाई अपने आप में, ठीक है। ऐसे ही तो 2 मेडल्स मैंने कंटिन्यू लिया है, एंड ये देखते हैं भाई अगर हो जाए तो। यहाँ पे ओपोनेंट बेचारे फंस जाते हैं यार, यहाँ पे ब्रेक आती है उनके पास और फंस जाते हैं, और पक्स पूरे क्लियर हैं, सिंपल खेल लेते हैं।
एंड हम लोग ये रहेगी हमारी तीसरी कदम, ठीक है। तीसरा कदम भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एंड चौथा पांचवा यानी कि और दो गेम प्ले बचा है, दो गेम प्ले हम लोग अगर विन कर लेते हैं तो फिर भाई क्या ही बोलूँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, कंटिन्यू हो जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है। सारे को सिंपल है, सारे को इसको खेलेंगे थोड़ा सा फास्ट क्योंकि एक पग थोड़ी बहुत फंसी हुई लग रही है मुझे इसको, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने रिलीज कर लिया देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल खेल सकते हैं एंड सॉरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को आई होप यार मज़ा आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को किसने एंड तक देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो, सो प्लीज़ वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियोस को कौन कौन एंड तक देखता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और उसके लिए यार दिल से थैंक यू यार, जितना भी बोलूँ लव यू बॉस यार, क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है। एंड आज का लाइव थोड़ा सा मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है, 4 या 5 बजे के करीब मैं लाइव आ जाऊँगा जल्दी से। इसको सिंपल खेल लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्लो खेलना था, ठीक है, अगर फास्ट खेलते हैं यहाँ पे पक्स मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसको भी हम लोग सिंपल खेल लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपल खेल लेते हैं भाई यार, रात में मेरा क्या होता है, ठीक है, जब मैं नेटवर्क लाइव आता हूँ उसमें ना मेरा नेटवर्क इतना स्लो होता है, मेरा यार दिमाग ख़राब करके रख देता है भाई, इतना ज़्यादा मैं खुद परेशान हूँ भाई यार। तो आप लोग बोलते हो फेस कैम लाइव कैसे आऊँ भाई, यहाँ पे गेम प्ले अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फेस मेरा कैसे दिखेगा बताओ यार। ओके, यहाँ पे 4th गेम प्ले है और हम लोगों ने कितने गेम प्ले जीत चुके हैं, 11 गेम प्ले कंटिन्यू हम लोगों ने जीत लिया है और हम लोग को 2 गेम प्ले जीतना है कंटिन्यू, उसके बाद जो है ये भी मेडल अपने हाथ में। यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है, ठीक है, स्ट्रेट कट वाली ब्रेक है, इसको सिंपल हिट करेंगे कुछ इस तरीके से, एक पग वगैरह हो चुकी है, ब्रेक आ चुकी है, तो यहाँ पे ब्रेक टू फिनिश खेलेंगे, इसको क्रॉस खेलेंगे, थोड़ा सा फास्ट खेल लिया है हम लोगों ने, उसके बाद इस वाले पक्स को थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे और बीच वाले पक्स को जो है वो रिलीज करेंगे, और हो चुकी है भाई बहुत अच्छे खासी पक्स रिलीज हो चुकी है, इसको थोड़ा सा क्रॉस खेलेंगे फास्ट कुछ इस तरीके से, लेकिन ये फिनिशिंग देखो कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट खेल लेते हैं। नीचे वाली पक्स जो है थोड़ी बहुत फंसी हुई लग रही थी, लेकिन अब इससे यार दोनों पक्स फंसा दिए हम लोगों ने, अभी पक्स का कंडीशन डिफिकल्ट है, लेकिन यस भाई तुम्हारा देखो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रिटर्न शॉट खेलते हैं और ईजी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्शन दिख रहा है भाई यार, ये कनेक्शन, ठीक है, अभी मैंने सोचा इस पग को रिटर्न खींचते हैं बट नहीं, इसको यहाँ पे एक कनेक्शन दिख रहा था, तो इससे बहुत अच्छी खासी पग्स रिलीज हो जाती है और इनसे यार पूरा का पूरा गेम जो है वो पूरा क्लियरली दिख रहा है मुझे, ठीक है, फिनिश। इसको खेलते हैं फास्ट थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो ये भी पग्स ईजी हो चुकी है, और दोनों के दोनों लेफ्ट साइड वाली पग्स थी वो भी ईजी हो चुकी है, ठीक है, अब यानी कि इसको भी हम लोग सिंपल खेल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कनेक्शन मारते हैं, ठीक है, ओपोनेंट के पग से टच करते हैं, थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा, और ये ईजीली हो चुका है भाई फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे देखो इवेंट भाई पूरा कंप्लीट कंटिन्यू, एक भी बीच में रुकावट नहीं हुई भाई, इवेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो ये वाला इवेंट था, ठीक है, डेली रश वाला इवेंट। एंड उसको ले लेंगे हम लोग, उसको लेके यार यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसके बाद मैच हारे, हारना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि इसके बाद हारते तो भाई बहुत तकलीफ होगा भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि लास्ट मैच बचा हुआ है, कंटिन्यू हम लोगों ने 12 मैच विन करके आए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड देखना पड़ता है, सो मैंने ऐड देख लिया, तो कंटिन्यू 12 मैच जीतना पड़ता है भाई, तभी जाके हम लोग उस इवेंट को ले सकते हैं, उस तीनों के तीनों मेडल्स हम लोगों ने कंटिन्यू लिया, ये रिकॉर्ड बन जाएगी भाई अपने आप में, ठीक है, तो इसको हम लोगेंगे भाई। और यहाँ पे देख सकते दो हो गए हैं, लास्ट बचा यार गोल्डन वगैरह, तो ये भी मिल जाना, और 12 गेम प्ले कंटिन्यू यहाँ पे आईडी में देख सकते हो मेरा, और भाई लास्ट यार, चलो यार इसमें कोई भी हैकर्स वगैरह ना मिले तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा यार। ओके, गेम जो है वो कनेक्ट हो चुका है, चूंकि 26 लेवल, अरे यार आईडी बहुत ख़तरनाक लग रही है मुझे, पता नहीं यार हैकर क्या हैकर ना मिले यार, नहीं तो पूरा गेम भाई बर्बाद हो जाएगा, मैं बहुत यार मुझे बहुत दुख होगा यार, मुझे तो लग रहा है ये ऐसा ही ऑटो प्लेयर है यार, क्या करूँ मैं यहाँ पे, अरे नहीं ऑटो प्लेयर, अरे यार ऑटो प्लेयर है भाई, बताओ यार आप ही लोग बताओ भाई, इतना ज़्यादा मैं झेल करके इतना कहाँ से कहाँ तक आया, ठीक है, कंटिन्यू 12 गेम प्ले जीत करके आया, और ये लास्ट मेडल गाइस, लास्ट गेम प्ले था, अगर इसको जीत जाता तो मुझे ये मेडल्स ईजिली मिल जाता यार, बताओ कितना दुख होगा यहाँ पे यार, आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, मतलब किसी के साथ भी ऐसा ना हो भाई, कि इतना मैच विन करके आके लास्ट वाला मैच जो ऐसा हो जाए लास्ट वाले मैच में, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई आपके साथ क्या होगा इसे, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा कसम से यार बोलूँ, ऐसे यहाँ पे मुझे ना सबसे ज़्यादा बुरा लगा भाई, बहुत ज़्यादा भाई, यहाँ पे देख रहे हो कैसे कैसे हैं, मतलब खेल रहे हैं शॉट्स को, यहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रिक, मतलब बहुत बार मिनिमाइज भी किया, बट ट्रिक काम नहीं कर रहा है भाई इस टेबल में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा भाई, ये टेबल लाया है क्यों आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा अब तक, ठीक है, ये टेबल ना हैकर्स के लिए ही लाया है, कि इस टेबल पे
जो हैकर्स खेलेंगे ना भाई, उन सारे आईडीज को बैन करेंगे ही करेंगे भाई 100%। ठीक है, इस टेबल में हैकर्स अगर यूज करते हो तो बैन करेंगे भाई, क्योंकि ये टेबल्स फेयर प्लेयर के लिए और ये इवेंट वगैरह है जो है फेयर प्लेयर के लिए ही है। ठीक है भाई, यार यहाँ पे देखो मुझे बहुत बुरा लगा यार, प्रश्न नहीं बोलूँ यार, मुझे 100% यार बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि लास्ट मैच में अगर ऐसा हो जाए तो भाई क्या ही बोलूँ, दिल टूट गया यार। यहाँ पे मैंने इतना मेहनत से 12 गेम प्ले कंटिन्यू जीत करके आया था, ये लास्ट गेम प्ले, अगर 13 गेम प्ले होता ना तो कंटिन्यू, तो तीनों के तीनों मेडल्स अपने हाथ में होता। सो आई होप यार आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन लास्ट में आके दिल दुख गया होगा आप लोगों का मुझे पता है, तो ज़रूर कमेंट में बताना इसके बारे में क्या आप लोग का राय है, कमेंट में ज़रूर लिखो। एंड टेक केयर गाइस, और बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगा, एंड सेकंड चैनल पे वीडियोस अच्छी अच्छी आ रही है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड इंस्टाग्राम में जिसने भी फॉलो नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना, एंड 4 या 5 बजे के आई थिंक लाइव में आ जाऊँगा मैं। ठीक है, टेक केयर गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं, बाय।